नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी की ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की कड़ी में। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की संत परंपरा में बाबा घासीदास जी की। मैं हूं परितोष जायसवाल। युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्न कि कौन सा मार्ग मनुष्य के लिए अनुकरणीय है के जवाब में कहा, संतोदिक, अर्थात संतों के द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। वस्तुतः संत ही वे द्वीप हैं जो भटके हुए मनुष्यों का पथ प्रदर्शन करते हैं। संतों के द्वारा बताए गए मार्ग से ही ध्येय प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है। संतों में ज्ञान तथा पराभक्ति दोनों का ही सद समावेश होता है। संतों की विशेषताओं में संपूर्ण अहंकार शून्यता, सर्वोच्च मानवीय तथा दार्शनिक दर्शन तथा भक्ति की उच्च तीव्रता होती है। समाज कल्याण के लिए संतों में आत्मनो मोक्षाय जगत हिताय च की भी भावना प्रबल होती है। यद्यपि संतों का सर्व प्रमुख तथा प्राथमिक प्रेम ईश्वर के प्रति होता है, तथापि वे समाज की भलाई तथा सर्वजन कल्याण की भावना से भी ओतप्रोत होते हैं। छत्तीसगढ़ की अरण्यपुरी धरती भी संतों की महान परंपरा की साक्षी रही है। बात चाहे बौद्ध धर्म के महायान शाखा के नागार्जुन की हो, पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य जी की, या दूधाधारी मठ के संस्थापक बलभद्र दास अथवा गाहिरा गुरु जी के नाम से प्रसिद्ध हुए श्री रामेश्वर कंवर जी की। छत्तीसगढ़ की पावन धरा इन महान विभूतियों के कर्मों से सुसज्जित तथा समदर्शित रही है। ऐसे ही संतों ने छत्तीसगढ़ की भूमि को अपनी तपस्थली और कार्यस्थली बनाया है। आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में पुनर्जागरण काल के पूर्व संत गुरु घासीदास जी के आविर्भाव ने एक नवीन सामाजिक संचेतना को विकसित किया। आज इस ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे भारतीय इतिहास में सतनामियों की चार शाखाओं तथा छत्तीसगढ़ी शाखा के बारे में। छत्तीसगढ़ में सतनाम संप्रदाय का उद्भव तथा विकास, गुरु घासीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय तथा सत की उत्पत्ति, गुरु घासीदास जी का सप्त मार्ग, इसके अलावा बात करेंगे सतनाम आंदोलन के उद्देश्य तथा प्रभावों के बारे में। बात करेंगे गुरु घासीदास जी के सत दर्शन की प्राप्ति की किंवदंतियों के बारे में भी। इसके अलावा संत गुरु घासीदास जी के सिद्धांत, सतनाम साहित्य, सतनामियों के प्रमुख धाम तथा छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के प्रथम गैर सतनामी उन्नायक पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के बारे में। इसके अलावा एक चर्चा करेंगे जैत खाम, इसकी प्रासंगिकता तथा महत्वपूर्ण जैत खाम गिरौतपुरी जैत खाम के बारे में भी। चर्चा होगी पंथी नृत्य के बारे में भी। इसके अलावा बात करेंगे वर्तमान समय में बाबा के उपदेशों की प्रासंगिकता तथा अंत में इस आर्टिकल पर एक संक्षिप्त उपसंहार के साथ चर्चा को विराम देंगे। प्रस्तुत ऑडियो आर्टिकल में हमने मदद ली है कुमारी पद्मा टटसेना, श्री आईआर सोनवानी तथा श्रीमती शुंपा चौबे जी के शोध प्रबंधों की तथा श्री धनाराम ढेढे, श्री सरयू प्रसाद बारले जी की स्मारिकाओं तथा मेघनाथ कन्नौजे, केयूर भूषण, डॉक्टर शंकरलाल टोडर, श्री घनाराम ढेढे, श्री जे आर सोनवानी जी की विभिन्न रचनाओं की भी। सबसे पहले बात करते हैं सतनामियों की चार शाखाओं के बारे में। भारतीय इतिहास में सतनामियों की चार शाखाओं का उल्लेख मिलता है, जिसे सतनाम पंथ के नाम से जाना गया। ये है नारनौल शाखा, मेवाती शाखा, कोटमी शाखा तथा छत्तीसगढ़ी शाखा। छत्तीसगढ़ की धरा में तीन घासीदास हुए, संत घासीदास, महंत घासीदास तथा गुरु घासीदास जी। संत घासीदास ग्राम बिछिया मंडला से कबीर पंथ का प्रचार करते हुए रायपुर पहुंचे थे। महंत घासीदास राजनांदगांव राजघराने से संबंधित हैं तथा बैरागी थे। वहीं गुरु घासीदास जी, जो वर्तमान ऑडियो लेक्चर में अध्ययन के ध्येय के रूप में है, सतनामी धर्म गुरु के रूप में पूजनीय है। सतनामी इतिहास एवं गुरु घासीदास जी का जीवन परिचय के लेखक श्री घनाराम ढिंडे के अनुसार गुरु घासीदास जी का जन्म 1756 में ग्राम गिरौतपुरी में हुआ था। रायपुर जिला गजेटियर सेंसस ऑफ इंडिया तथा रसेल एवं हीरालाल द्वारा रचित पुस्तक ट्राइब्स एंड कास्ट्स में गुरु घासीदास जी का स्वर्गवास 80 वर्ष की अवस्था में 1850 में हुआ। इस आधार पर बाबा का जन्म 1770 बैठता है, लेकिन सर्वमान्य वर्ष 1756 ही है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में सतनाम संप्रदाय के उद्भव तथा विकास के बारे में। छत्तीसगढ़ी शाखा के सतनामियों के उद्भव एवं विकास के संबंध में अनेक अवधारणाएं प्रचलित हैं। सेंसस ऑफ इंडिया वॉल्यूम 10 में मार्टिन लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ की सतनामी शाखा कबीर पंथ की ही एक शाखा है।
गुरु घासीदास जी ने जगजीवन स्वामी की शिक्षा को अपने जीवन में उतारा। वहीं श्री आई आर सोनवानी ने हेल्टी की रिपोर्ट को आधार बनाकर यह बात कही है कि कबीर और सतनाम दोनों पंथ पुरोहित वर्ग के विरोध में उभरे थे। धार्मिक समूह के रूप में उत्पन्न हुआ सतनामी आंदोलन जाति में परिणित हो गया। सतनाम सागर 1920 के पृष्ठ क्रमांक 241 में दावा किया गया है कि गुरु घासीदास जी संत रविदास जी से भी प्रेरित थे। कहते हैं, बहुत काल उपरांत श्री रविदास वंश में धीर वीर सुचिशांत घासीदास जी संत में। कुल मिलाकर यह माना तो जा ही जा सकता है कि गुरु घासीदास जी ने सतनाम का प्रचार करके जहां एक ओर सतनाम की अलग शाखा की स्थापना की, वहीं उन्होंने मानव समाज का परिष्कार करते हुए प्रत्येक मनुष्य को धर्म के अनुसार जीवन यापन करने का उपदेश भी दिया। अब बात करते हैं गुरु घासीदास जी के संक्षिप्त जीवन परिचय तथा सत की उत्पत्ति के बारे में। गुरु घासीदास जी ने सत को शक्ति के रूप में माना है। कहते हैं, सत से धरती खड़े, सत से खड़े आकाश, सत से पवन औपानी, चंदा सूरज प्रकाश, सत से सृष्टि उपजय, कह गए घासीदास। गुरु घासीदास जी के अनुसार सतनाम की महिमा निम्नानुसार है। पहला, सत्य नाम स्वयं पूर्ण है, जो अनंत अविनाशी तथा अविभाज्य है। दूसरा, सतनाम स्वयंभू है, उसका कोई कारण नहीं बल्कि वह सबका कारण है। तीसरा, सतनाम एक अद्वितीय तथा निरपेक्ष है। चौथा, सत और चित एक है। गुरु घासीदास जी की जन्म तिथि तथा जन्म वर्ष के संबंध में विभिन्न मत प्राप्त होते हैं। 18 दिसंबर 1756, सन 1770 तथा 19वीं सदी, ऐसी ही तारीखें हैं। मत विभिन्नताओं के बावजूद 18 दिसंबर 1756 को सर्वमान्य तिथि घोषित की गई है। बाबा का जन्म प्राकृतिक वैभव से पूर्ण गिरौदपुरी में पिता महंगूदास तथा माता अमरौतीन के घर हुआ। अंग्रेज अधिकारी चिशम ने संत गुरु घासीदास जी को अवतार पुरुष के रूप में निरूपित किया है। गुरु घासीदास जी का विवाह सिरपुर निवासी सफूरा देवी से हुआ। कुछ लोग इसे सिरपुर के स्थान पर सरसीवा लवन को भी मानते हैं। गुरु घासीदास जी के चार पुत्र अमरदास, बालकदास, आगरदास तथा अड़गड़िया दास जी थे तथा पुत्री का नाम सुभद्रा था। जबकि सतनाम सागर ग्रंथ 3 पुत्र 1 पुत्री तथा सतनाम के अनुयायी ग्रंथ के अनुसार बाबा के 3 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। अब बात करते हैं गुरु घासीदास जी तथा उनके सप्तमार्ग के बारे में। सतनाम धर्म के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी का छत्तीसगढ़ में वही स्थान है जो बंगाल में चैतन्य महाप्रभु जी का है, पंजाब में गुरु नानक जी का, गुजरात में नरसिंह मेहता तथा महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर का। कहा जा सकता है कि सतनाम धर्म के संस्थापक एवं प्रवर्तक गुरु घासीदास ही थे, अन्य कोई नहीं। किंतु इसके पूर्व भी सतनाम धर्म और अनुयायी थे जिन्होंने इस धर्म का पालन किया था, किंतु वे सभी हिंदू धर्म के अधीन ही थे। इसी धर्म को गुरु घासीदास जी ने और भी अधिक सशक्त तथा पुनर्स्थापित किया और एक नए सप्त मार्ग को अपनाया। गुरु घासीदास जी ने मानव जीवन को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए तथा उन्हें मानवीय कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए सतनाम धर्म को सप्त मार्ग से सवारा है तथा ऐसा माना गया है कि जिसने भी इसे ग्रहण कर अपने जीवन को तराशा है वे ही सतनामी हुए और सर्वोच्च मानव जीवन प्राप्त किया। बाबा घासीदास जी के सप्त मार्ग इस प्रकार से हैं। पहला, ईश्वर एक तथा निराकार है। दूसरा, अहिंसा मानव धर्म है। तीसरा, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। चौथा, सृष्टि का मूल सूर्य है तथा इसकी उपासना करनी चाहिए। पांचवा, मूर्ति पूजा, आडंबरों तथा रूढ़ियों का त्याग करना चाहिए। छठवा, मांस मदिरा, नशीली वस्तुएं तथा मांसाहारी जैसे लगने वाले पदार्थों का सेवन वर्जित है। सातवा, सदाचार युक्त सात्विक जीवन यापन के लिए काम क्रोध राग द्वेष को त्याग कर सत्य दृष्टि, सत्य कर्म, सत्य ज्ञान, सत्य यत्न और सत्य ध्यान को ही नम्रता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। अब बात करते हैं सतनाम आंदोलन के उद्देश्यों के बारे में। डॉक्टर शंकरलाल टोडर ने अपनी रचना सतनामी तथा सतनाम आंदोलन में सतनाम आंदोलन के उद्देश्यों की विस्तृत चर्चा की है, जो है, पहला, सही धर्म तथा सही जाति की स्थापना करना। दूसरा, मानव के विभिन्न दुखों का आध्यात्मिक ज्ञान से इलाज करना। तीसरा, मानवों का शुद्धिकरण तथा स्वस्थ मानव समाज की स्थापना करना। चौथा, मानवों में सामाजिक तथा राष्ट्रीय चेतना का विकास करना।
पांचवा, लोगों को कर्मशील उन्नतशील कृषक बनाकर आर्थिक उन्नति लाना। छठवा, नारियों को विकास की धारा में जोड़ना। सातवा, दलितों में स्वाभिमान जागृत करना तथा स्वस्थ मानव समाज की स्थापना करना। आठवा, मानव समाज से नशा सेवन, मांस भक्षण, जुआ व्यसन आदि को दूर करना। नौवा, बलि प्रथा, जीव हत्या, पशु अत्याचार बंद करवाना। दसवा, मानव समाज में स्थायी एकता हेतु सामाजिक व्यवस्था के नए नियमों का परिचालन करना। ग्यारहवा, सतनाम धर्म के द्वारा मानव समाज को मुक्ति के उच्च शिखर तक बिठाना। अब बात करते हैं सतनाम आंदोलन के प्रभाव के बारे में। बाबा घासीदास का सतनाम आंदोलन एक वृहद सतनाम धर्म प्रचार था। डॉक्टर शंकरलाल टोडर अपनी रचना सतनामी और सतनाम आंदोलन में सतनाम आंदोलन के प्रभावों की विस्तृत चर्चा करते हैं। पहला, वर्ण व्यवस्था के प्रपंच तथा जातिवाद की अलगाव नीति से विहीन ऐसा समाज बना जिसमें मनखे मनखे एक समान की भावना निहित थी। दूसरा, शरीर को मंदिर मानने से लोगों में एक नई चेतना जागृत हुई जिसमें आत्मविश्वास की जागृति के साथ अतिरिक्त कर्मकांडों से मुक्ति मिली। तीसरा, सामूहिक एकता से खेती को उच्चतम अवस्था मिली तथा सतनामी जन अल्प समय में ही धनवान बन गए। चौथा, राष्ट्रीय चेतना को बल मिला जिसने भारत की स्वतंत्रता में योगदान दिया। पांचवा, स्वतंत्र भारत ने जाति व्यवस्था को शिथिल किया तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई गई। छठवा, कथित दलितों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आने से उनके स्वाभिमान में वृद्धि के साथ अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के साहस का भी संचार उत्पन्न हुआ। अब बात करते हैं बाबा घासीदास जी को सत दर्शन की प्राप्ति की किंवदंतियों के बारे में। सामाजिक कुव्यवस्था, अंधविश्वास तथा धार्मिक कर्म कांडों से विचलित बाबा घासीदास व्यथित होकर आत्मचिंतन और सत्य साधना की ओर उन्मुख हुए। बाबा को सत्य दर्शन अथवा आत्मबोध कब और कहां हुआ इस बारे में मतैक्य नहीं है। इस बारे में अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं। पहला, एक लोक कथा दो मछलियों की आपसी वार्ता से संबंधित है जिसके अनुसार जब बाबा खेत की ओर कहीं जा रहे थे तब उन्होंने दो मछलियों की बात सुनी जो पिछले जन्म का फल भोगते हुए सतनाम नाम जपने का संदेश दे रही थी। बाबा के दर्शन से कृतार्थ ये मछलियां निष्प्राण हो गई। तभी सभी जीव एक समान है की आकाशवाणी हुई। इसी आकाशवाणी को सुनकर बाबा सतनाम नाम जाप करने लगे तथा शास्त्रों में लिखे ज्ञान को मुखाग्र सुनाने लगे। दूसरा, एक दूसरी कथा के अनुसार जगन्नाथ यात्रा के दौरान सारंगगढ़ के समीप उन्हें सतनाम की अनुभूति हुई और सतनाम का उद्घोष करते हुए वे वापस आ गए। गिरौदपुरी से 2 किलोमीटर दूर औरा धौरा तथा छाता पहाड़ के नीचे योगासन मुद्रा में बैठकर तपस्या करने लगे। इसी स्थान पर उन्हें सत्य साधना की सिद्धि मिली। अब बात करते हैं संत गुरु घासीदास जी के सिद्धांतों के बारे में। मानव मात्र के कल्याण तथा समूचे विकास के लिए बाबा ने अपने जीवन काल में कुछ सिद्धांत दिए। पहला, ईश्वरवाद निषेध। बाबा ने बाहरी तत्वों को श्रेष्ठ न मानकर अंतरात्मा को श्रेष्ठ माना है। ईश्वर के स्थान पर सत्य पुरुष को मानने का उपदेश दिया। दूसरा, मूर्ति पूजा तथा मंदिर प्रवेश निषेध। बाबा के अनुसार हर मानव शरीर एक मंदिर है, उसे अपने मंदिर में ही प्रवेश करना चाहिए। तीसरा, सतनाम नाम धारण करने का संदेश। बाबा के अनुसार अंतरात्मा का अपना धर्म होता है, इसे मानने के लिए किसी बाहरी तत्व की पूजा की आवश्यकता नहीं है। आत्मा की शक्ति के अतिरिक्त किसी बाह्य शक्ति की प्राप्ति की आशा व्यर्थ है। चौथा, जाति प्रथा निषेध। गुरु घासीदास जी के अनुसार जाति प्रथा किसी ईश्वर की देन नहीं है। जाति प्रथा के रहते मानव पर होने वाले अत्याचार कम नहीं हो सकते। 83 ग्राम इस बात का उदाहरण है जहां हजारों लोगों ने अपनी मूल जाति छोड़कर समता मूलक समाज का उदाहरण प्रस्तुत किया था। पांचवा, धर्म परिवर्तन निषेध। अनेक धर्म परिवर्तन के इच्छुक बाबा से लगातार संपर्क कर रहे थे लेकिन बाबा का विश्वास कि धर्म अपरिवर्तनीय है, मानव अपना धर्म सतनाम धर्म नहीं खो सकता। इसके अलावा पर नारी सम्मान, मित व्यता, हल या गाड़ी में गायों को न जोतना, सतनामी समाज निर्माण, खेती करने का संदेश, कर्म फल सिद्धांत की मान्यता आदि संदेश तथा सिद्धांत भी बाबा ने समाज को दिया है। अब बात करते हैं सतनाम साहित्य के बारे में।
गुरु घासीदास जी के द्वारा सतनाम पंथ प्रवर्तन के साथ सप्त सिद्धांत, 42 अमृतवाणी, 27 मुक्तक, 9 रावटी तथा अनगिनत उपदेश अपने श्रीमुख से निस्सृत किए थे। जो जो समाज शिक्षित होता जा रहा है, बाबा की वाणी और उपदेश भी और मुखरित होते जा रहे हैं। इसके अलावा पंडित सुखीदास का गुरु घासीदास चरित, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा रचित सतनामी महापुरुष, सतनाम सरित प्रवाह, डॉक्टर अनिल बतबहरी, सतनाम पत्रिका, नम्मूराम मनहर, सत्य ध्वज, दादूलाल जोशी, सतनामी और सतनाम आंदोलन, डॉक्टर शंकरलाल टोडर, सतनाम खंड काव्य, डॉक्टर मेघनाथ कन्नौजे, सतनाम पोथी डॉक्टर जे आर सोनी तथा सतनाम की दार्शनिक पृष्ठभूमि रचयिता डॉक्टर जे आर सोनी जी हैं। अब बात करते हैं सतनामियों के प्रमुख धाम के बारे में। अरण्य सुवासित छत्तीसगढ़ की धरा रमणीय भूमि के साथ तीर्थ स्थलों की बहुलता लिए हुए भी है। अन्य धर्म तथा संप्रदायों की भांति ही सतनाम अनुयायियों के भी यहाँ प्रमुख धार्मिक केंद्र है, जो चारों धाम के सदृश महत्व लिए हुए सिद्ध होते हैं। पहला, सतनाम धाम तपोभूमि गिरौदपुरी। गिरौदपुरी का महत्व बाबा के जन्म, क्रीड़ा तथा तपोस्थली के रूप में है। यहाँ सतनाम धाम की स्थापना गिरौदपुरी निवासी श्री बोधराम जी के द्वारा की गई थी। फागुन मास शुक्ल पक्ष पंचमी, षष्ठी, सप्तमी को गिरौदपुरी का मेला लगता है। गिरौदपुरी में ही घासीदास जी का मकान है। इससे कुछ दूर मटिया नामक स्थान पर वह खेत है जहां बाबा ने बिना हल पकड़े गरियार बैल को काबू में किया था। कुछ फासले पर शेरपद चिन्ह वाला मंदिर है। गिरौदपुरी से दक्षिण पूर्व दिशा में वह पहाड़ी है जो बाबा की तपोस्थली थी। घासीदास जी ने जिस औरा धौरा के विशाल वृक्ष के नीचे तपस्या की थी, उसी स्थान पर सतनाम धाम बनाया गया है। इसी स्थान पर चरण कुंड, अमृत कुंड, छाता पहाड़ भी है। चरण कुंड में सीढ़ी निर्माण का शिलान्यास श्री अजीत जोगी जी द्वारा किया गया था, जबकि ऐसी मान्यता है कि अमृत कुंड के जल से बाबा ने अपनी पत्नी सफुरा बाई को जीवन दान दिया था। छाता पहाड़ में ही बाबा 6 माह अंतर्धान होने के पश्चात पुनः प्रकट हुए थे। दूसरा, गुरु दर्शन सतनाम धाम भंडारपुरी। यह स्थान बाबा घासीदास के जीवन की गतिविधियों का केंद्र है। भंडारपुरी महल के निर्माण कार्य का प्रारंभ गुरु बालकदास ने करवाया था, लेकिन कार्य को पूर्ण बाबा आगरदास जी द्वारा करवाया गया था। गुरु बालकदास ने समाज के लोगों को गुरु दर्शन के लिए अश्विनी शुक्ल एकादशी का दिन तय किया था। भंडारपुरी में गुरु घासीदास जी का 3 तलीय महल है। इस मंदिर में बाबा के खड़ाऊ, लघु सिंहासन, बालकदास जी की कचहरी, हाथी घोड़ों के लिए अलग कमरा तथा जैत खाम आदि है। तीसरा, धर्म चक्र परिवर्तन सतनाम धाम तेलासीपुरी। यह धाम बलौदा बाजार में स्थित है। गुरु घासीदास जी से प्रभावित होकर हजारों लोगों ने सतनाम को स्वीकार कर लिया था। यह स्थान बाबा के ज्येष्ठ पुत्र श्री अमरदास जी की तपोभूमि तथा निवास स्थली के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहाँ 4 एकड़ में विस्तृत परकोटा युक्त, जैत खाम युक्त बाड़ा भी है, जहाँ विभिन्न अवसरों पर मेला भरता है। चौथा, सतनाम गुरुद्वारा एमा खड़गपुर पश्चिम बंगाल। एमा खड़गपुर में सतनामियों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्थित है। इसका निर्माण कार्य 1938 में प्रारंभ हुआ, जो 1948 में संपन्न हुआ। इसकी स्थापना में स्वर्गीय बाबा अगमदास ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1953 में इस गुरुद्वारे में कलश स्थापना मिनी माता तथा करुणा माता की उपस्थिति में श्री विजय गुरु उग्र नाम के द्वारा किया गया था। पांचवा, गुरु समाधि स्थल ग्राम बंगोली। गुरु घासीदास जी की समाधि स्थल बंगोली ग्राम में है। यह रायपुर जिले से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां माघ पूर्णिमा को विशाल मेला भरता है। छठवां, अन्य महत्वपूर्ण स्थल, गुरु अमरदास जी का समाधि स्थल चबुआ घाट, गुरु गद्दी रतनपुर, कुआं बोड़सरा, कुगदा तथा खपरी है। सातवां, सतनाम रावटी धाम। बाबा घासीदास जी द्वारा 9 जगहों पर धर्म प्रचार हेतु डाले गए पड़ाव या रावटी स्थल के दर्शन यात्रा अक्टूबर से मई तक की जाती है। सतनाम धर्म संस्कृति में गुरु घासीदास जी ने नाम पान देकर 9 विशिष्ट स्थानों पर प्रचार प्रसार किए, जो 9 रावटी धाम के नाम से विख्यात है, जिसमें है चिराईपदर, दंतेवाड़ा, कांकेर, पाना बरस, डोंगरगढ़, भंवरदाह, भोरमदेव, रतनपुर तथा दल्हा पहाड़।
अब चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के प्रथम गैर सतनामी उन्नायक पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के बारे में। इस आलेख के लिए श्रीमती संपा चौबे जी की रचना छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज का स्वाधीनता आंदोलन में योगदान तथा श्रीमती सावित्री मिश्रा जी की रचना छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के सूत्रधार 1967 की सहायता ली गई है। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का जन्म संवत 1881 में राज्य में हुआ था। शर्मा जी ने 1919 ईस्वी से सतनामियों के उत्थान का कार्य प्रारंभ किया। सतनाम अनुयायियों के घर उन्होंने कई बार सत्यनारायण की कथा का भी आयोजन कराया। उनके इन्हीं कारणों से उन्हीं के समाज से उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया। पंडित सुंदरलाल जी की प्रेरणा से अगमदास तथा राजमहंत नयनदास भी आगे आए। पंडित सुंदरलाल जी ने नयनदास जी के साथ मिलकर कसाई खानों को बंद करवाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। पंडित शर्मा से प्रभावित होकर राजनांद गांव के श्री छबीराम चौबे ने 21 दिन का उपवास छुआछूत के विरोध में रखा था। 1917 में सतनामी समाज के सामूहिक जनेऊ संस्कार का आयोजन किया गया, जिसका समर्थन 1924 के कानपुर अधिवेशन में महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने भी किया था। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के कार्यों से प्रभावित होकर गांधी जी ने हरिजनोद्धार के लिए अपना गुरु माना। पंडित शर्मा का यह मानना कि द्विजेतर जातियों का हमेशा से शोषण होते आया है, इसलिए उन्होंने उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए प्रभावी तथा महत्वपूर्ण कार्य किए। अब चर्चा करते हैं जैत खाम के बारे में। प्रत्येक संस्कृति, राष्ट्र, धर्म या संप्रदाय के अपने विशिष्ट प्रतीक चिन्ह होते हैं। इन प्रतीकों के द्वारा जहाँ उस संस्कृति का बोध आसान हो जाता है, वहीं यह प्रतीक उस संस्कृति का आवश्यक अंग तथा तत्व भी माना जाता है। इसी क्रम में सतनाम पंथ के सर्वाधिक प्रमुख प्रतीकों में जैत खाम या जैत खम्भ भी है। छत्तीसगढ़ के सतनामी रत्न के लेखक राजमहंत नम्बू राम मनहर ने इन जैत खम्भों के विविध प्रकारों की चर्चा की है। सरोवर के बीच स्थापित जैत खाम को डंडी खाम कहा जाता है, जबकि धार्मिक अनुष्ठान में स्थापित स्तंभ को अग्नि खाम। जैत खाम सतनाम पंथियों के लिए जहां प्रेरणा स्रोत है, वहीं धर्म पर अडिग रहने के संदेश के साथ गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक अन्य जरिया भी है। आइए अब बात करते हैं जैत खाम की विशेषताओं के बारे में। पहला, जैत खाम लकड़ी का बना होता है, जिसके ऊपरी सिरे पर पीतल या अन्य धातु मढ़े होते हैं। जैत खाम पर 3 हुक लगे होते हैं, हुक में ही बांस का डंडा लगाया जाता है। दूसरा, डंडे के ऊपर सफेद ध्वज लगाया जाता है। जैत खाम को पालो या दुरफ्ता भी कहा जाता है। तीसरा, पालो का शाब्दिक अर्थ जिसको हमने रक्त से सींच कर पाला है से है। पालो जैत खाम का लघु रूप है, जिसे घर के विनिर्दिष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित किया जाता है। वहीं दुरफ्ता का अर्थ होता है इज्जत, अर्थात जिसने इज्जत बचा ली हो। चौथा, जैत खाम को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है, चबूतरा, खंभा, डंडा, पताका तथा हुक एवं कील। पांचवा, चबूतरा। पंथियों के आस्था का प्रतीक चबूतरा किसी विशेष मापदंड का नहीं होता। छठवा, खाम। सामान्यतया 21 हाथों लंबा तथा गोलाकार स्तंभ सतनामी समाज की एकता तथा अखंडता का प्रतीक है। सातवां, डंडा। यह 7 हाथ लंबाई वाला बांस का डंडा होता है। यह सुरक्षा का प्रतीक है। इसमें उपस्थित गांठें मानवीय गुणों यथा सत्य, दया, करुणा, प्रेम, क्षमा आदि को दर्शाता है। आठवां, सफेद झंडा अथवा पताका। आयताकार सफेद झंडा शांति और सत्य का प्रतीक है। मन, वचन और कर्म से दूसरों को कल्याण का संदेश देता यह झंडा सादगीपूर्ण, शांतिमय और निश्चल जीवन जीना सिखाता है। नौवा, हुक तथा किल। जहाँ 3 हुक त्रिगुण अथवा रज तम सत का, तो वहीं 3 किल सत्य, अहिंसा तथा प्रेम के प्रति अटल विश्वास को दर्शाता है। सत आचरण धारण कर सत्कर्म करते हुए सतमार्ग पर चलने और सदव्यवहार को बनाए रखने का प्रेरणा स्रोत यह जैत खाम ही है। अब देखते हैं कि जैत खाम से क्या शिक्षा मिलती है। पहला, मानव मात्र की एक रूपता के साथ जैत खाम समता का भी स्वरूप है। दूसरा, यह सम्मान से जीना सिखाने के साथ पथ पर अटल रहना भी सिखाता है। तीसरा, अपने हक तथा अधिकारों की रक्षा करना तथा कर्तव्य पालना। जैत खाम की धार्मिक शिक्षा। पहला, सतनाम पर अडिग रहना, अपनी व्यवस्था अनुसार चलना।
दूसरा रूढ़िवादिता, बाह्य आडंबर तथा परंपरावाद से दूर रहना। तीसरा सतनाम धर्म के पालन में अन्य धर्म की अवमानना न करना। जहाँ धर्म ध्वजा जन जन में शक्ति का संचार कर रहा है, वहीं जैद खाम सभी को मिलजुल कर रहने का आह्वान करता है। सामाजिक संगठन को सुदृढ़ करता जैद खाम सदैव ही वंदनीय है। कहना अतिशयोक्ति ना होगी कि जैद खाम सतनामी समाज का अलिखित संविधान है। अब बात करते हैं जैद खाम गिरौदपुरी की। 18 दिसंबर 1756 को बाबा घासीदास जी का जन्म गिरौदपुरी में हुआ। सतनाम धर्म के धर्म चिन्ह जैद खाम का सबसे भव्यतम रूप गिरौदपुरी में बनाया गया है। इसका निर्माण IIT रुड़की के विशेषज्ञों द्वारा किया गया है। कुतुब मीनार से भी 6 फीट ऊंचा 243 फीट का यह जैद खाम भूकंप रोधी तथा अग्निरोधी है। जहां इसकी सीढ़ियां जो गिनती में 435 है, जंतर मंतर जयपुर और भूल भुलैया लखनऊ के समान है, तो इस स्तंभ का गार्डन ताजमहल या मुगल गार्डन के सदृश बनाया गया है। यह स्तंभ चारों ओर से 7 स्तंभों पर खड़ा है। वास्तुकला की दृष्टि से अद्वितीय इस जैद खाम में 2000 लोग एक साथ आ सकते हैं। वर्ष 2007-08 से इसका निर्माण प्रारंभ हुआ तथा 2015 को मुख्यमंत्री रमन सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन कराया गया। गगनचुंबी ऊंचाई लिया है जैद खाम संत परंपरा के सर्वोपरि बाबा घासीदास का यश पताका लिए सामाजिक समता तथा उनके संदेशों की स्वर लहरियों को गुंजायमान कर रहा है। आइए अब बात करते हैं सतनाम पंथ के ऊर्जा से भरपूर नृत्य पंथी नृत्य की। पंथी नृत्य सतनाम पंथ का जहां आध्यात्मिक और धार्मिक नृत्य है, वहीं एक अनुष्ठान होने के साथ सामूहिक आराधना भी है। पंथी नृत्य न केवल बाह्य रूप से मनोरंजक है, बल्कि अपने अंतः स्वरूप में आध्यात्मिक साधना भी है। डॉक्टर भदपहरे जी के शब्दों में, आरंभ में यह भावातिरेक में निमग्न भक्त जनों का आनंदोत्सव में झूमने और थिरकने की क्रिया रही, जो क्रमशः विकसित होकर नृत्य में परिवर्तित हो गई। पंथ से संबंधित होने के कारण अनुयायियों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य पंथी नृत्य के रूप में प्रचलित हुआ। साथ ही इस क्रम में प्रयुक्त होने वाले गीतों को पंथी गीत की संज्ञा के साथ प्रतिष्ठा मिली। पथ पर अनुस्वार के संयोग से पंथ हो जाता है, जो समय के साथ परंपरा और विरासत का सम्मिश्रण करते हुए संस्कृति के रूप में स्थापित हो जाता है। इसी सतनाम पंथ की धार्मिक क्रिया तथा नृत्य ही पंथी नृत्य है। तीव्र अवस्था में नृत्य करते हुए नर्तक बाबा के सुमिरन में आत्मलीन हो जाते हैं। अंत में शांत चित्त अवस्था में बैठकर या लेटकर बाबा की भाव समाधि में आबद्ध हो जाते हैं। इसी बीच किसी दर्शक में देवता भी चढ़ा आता है, जिसे सतपुरुष विराजना या देवता चढ़ना भी कहा जाता है। पंथी नृत्य सामान्य तौर पर सामूहिक होते हैं, जिसकी आदर्श संख्या 15 तक होती है। स्वतंत्र रूप से 10 नर्तक, 3 वादक, 1 गायक तथा 1 नृत्य निर्देशक या सिटी मास्टर होता है। पंथी नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य का उद्देश्य आध्यात्मिक उत्कर्ष और सामूहिक साधना द्वारा परमानंद की प्राप्ति होती है। आजकल पंथी नृत्य में एकल प्रस्तुतियां भी देखने को मिल रही हैं। पारंपरिक रूप से पंथी नर्तक प्रायः अर्धविवृत देह, जिस पर सतभागी या जनेऊ कंधे पर, गले पर कंठी माला धारण कर श्वेत चंदन का तिलक लगाया जाता है। नीचे कमर से लेकर घुटने तक श्वेत धोती और पांव में घुंघरू बंधे होते हैं। कंधे पर धारण किए जाने वाले सतधागी 7 कुंवारे धागों का समुच्चय होता है, जिसे भंडारी, महंत या साटीदार की उपस्थिति में धारण किया जाता है। साधारण बोलचाल की भाषा में मड़वा चुनना या जनेऊ भी कहा जाता है। कुछ पुरुष सतधागी धारण करने के कठोर नियम के चलते कंठी धारण करते हैं। पंथी नृत्य सतनाम में एक इबादत की तरह है। प्रत्येक खुशी के क्षण में इसका आयोजन किया जा सकता है। शादियों में भी इसका मनोहारी प्रदर्शन होने लगा है। उत्साह, उमंग और भक्ति की त्रिवेणी इस नृत्य की पहचान है। पंथी नृत्य में मांदर, झांझ, घुंघरू तथा झुमका आदि प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। पंथी नृत्य का 2 प्रमुख विभाजन भागगत तथा क्षेत्रगत रूप में होता है। डॉक्टर भदपहरी लिखते हैं कि प्रदर्शन की भव्यतम और वैश्विक रिकॉर्ड बन सकने के बावजूद भी सादगी और आध्यात्मिक तथा परमानंद के भाव से युक्त श्रद्धा भक्ति का यह नृत्य, जो आराधना और अनुष्ठान जैसा था, तिरोहित होने लगा है।
पंथी नृत्य में आधुनिकता के कारण क्षरण देखने को भी मिलने लगा है। पंथी का प्रभाव भारतीय लोक नृत्यों में अन्योन्याश्रित है। पंथी में निरंतर नवाचार हो रहे हैं। अनेक वाद्य यंत्रों के अनुप्रयोग और तेजी से भावयुक्त बनते बिगड़ते आसन तथा भाव भंगिमाएं दर्शनीय होती है। विभिन्न चुनौतियों तथा संभावनाओं से युक्त पंथी का संरक्षण आवश्यक है, अन्यथा यह केवल प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह जाएगी। पंथी नृत्य का सम्मान तथा उसकी महत्ता राजपथ में 2020 में देखने को मिली, जब छत्तीसगढ़ की झांकी के साथ इसका प्रदर्शन किया गया। वर्तमान में श्री देवदास बंजारे, पुराणिक चेलक करमचंद कांसरिया, कनकदास भतपहरी, श्रवण कुमार चौकसे, डॉक्टर एस एल बारले, अमृता बारले सहित अनेक नाम हैं जो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित पंथी के अध्येता, प्रस्तोता तथा उद्धारकर्ता के रूप में है तथा अनवरत पंथी नृत्य को साधते हुए इसका विकास तथा प्रचार में अनवरत तल्लीन है। अब बात करते हैं वर्तमान समय में बाबा के उपदेशों की प्रासंगिकता के बारे में। बाबा की वाणी तथा उनके कार्यों ने तात्कालीन समय में जो अलख जगाया वो आज भी उतना ही प्रासंगिक तथा महत्वपूर्ण है। बाबा अपने युग की उपज तो है ही, युगीन परिस्थितियों तथा समय एवं समाज की मांग ने उन्हें गढ़ा है। सारग्रही महात्मा ने तत्कालीन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए सतनाम जप का आग्रह किया। विभिन्न सामाजिक रीतियों, प्रथाओं, संस्कारों तथा सामाजिक ताने बाने की व्यवहार्यता तथा उपयोगिता को न केवल अपने तर्क और अनुभव की कसौटी पर कसा, बल्कि वे विश्वास, मान्यताएं जो मानवता, नैतिकता तथा भक्ति की राह में बाधक थे का विरोध भी किया। बाबा एक सच्चे गुरु होने के साथ प्रखर, तेजस्वी, स्पष्ट वक्ता, पर दुख का दर, निराभिमानी, ओजस्वी, साहसी, सहृदयता आदि गुणों के भी धनी थे। बाबा ने छत्तीसगढ़ अंचल में ऐसे सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक आंदोलन का सूत्रपात किया जो वर्तमान में भी वर्ग विहीन समाज बनाने में उतना ही प्रासंगिक है। बाबा ने जिन विसंगतियों, वर्जनाओं, कुरूतियों और कुप्रथाओं के विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया था वे आज भी दुखद रूप में विद्यमान है। स्थिति आज भी बहुत अधिक नहीं बदली है। बाबा ने जिस प्रकार समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए धर्म के बाह्य आचरणों का कड़ा विरोध करते हुए सात्विक भक्ति पर जोर दिया, उसकी आवश्यकता आज भी है। यह मानना ही होगा कि बाबा घासीदास कालीन विकृतियों, असंगतियों, रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों से आज भी हमारा समाज मुक्त नहीं हो पाया है। जात पात, अशिक्षा, सांप्रदायिकता, छुआछूत जैसी विषमताएं आज भी जड़े जमाए बैठी हैं। जिन मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए बाबा घासीदास जीवन भर संघर्षरत रहे, उन संघर्षों की लौ को दोबारा प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। आज समय की मांग प्रेम, मानवता, सद्भाव, सौहार्द तथा नैतिकता की पुनः स्थापना की है, जो बाबा के उपदेशों में समादृत तथा उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने से ही प्राप्य होगा। सभ्यता और संस्कृति प्रत्येक राष्ट्र की अमूल्य, अद्वितीय तथा अक्षय निधि होती है। भारतीय संस्कृति की बहने वाली अविरल धारा को अपूरित करने में छत्तीसगढ़ की संत परंपरा का भी अपना विशिष्ट महत्व रहा है। छत्तीसगढ़ की आंचलिक संस्कृति के बगैर राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कल्पना भी अपूर्ण है। यहाँ यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि छत्तीसगढ़ को भारतीय संस्कृति का सहायक लेकिन अग्रगण्य स्रोत कहा जाए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत यहाँ के रहवासी धर्म पर अगाध श्रद्धा रखते हैं। श्रद्धा के साथ यहाँ का जनमानस गीत, संगीत तथा नाट्य का पुट भी डालता है, जिसमें इनकी प्रवीणता भी है। जहाँ यह माना जा सकता है कि वर्तमान में यह प्रदेश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, यह बात भी सर्वमान्य रूपेण सत्य है कि यहाँ के लोगों में संत परंपरा की मौलिकता को अक्षुण बनाए रखने का सामर्थ्य भी है। कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति पुरातन तथा अधुनातन संस्कृति के मिश्रण का परिचायक है तथा इसने छत्तीसगढ़ की संत परंपरा के गौरव को चारों ओर फैलाने में अपूर्णीय योगदान दिया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में संत परंपराओं का सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष में एक विशिष्ट महत्व रहा है। गुरु घासीदास जी ने अपने उपदेश परक विचारों में आत्म मंथन तथा आत्म अवलोकन पर विशेष बल दिया था। कहा जा सकता है कि गुरु घासीदास जी के द्वारा बताए गए मार्ग सत्य, अहिंसा, प्रेम, शांति तथा सद्भावना को अपनाए बगैर समाज तथा देश का सर्वांगीण विकास असंभव है। शिक्षा, संस्कार, राजनीति, साहित्य, दर्शन,
विज्ञान, समाज विज्ञान, मानव विकास के हर पहलुओं में अधिकार जमाने में बाबा घासीदास जी की शिक्षाएं समीचीन तथा अनुकरणीय हैं। धन्यवाद।